अ वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने किया था सिटीजनशिप, जिसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट टू के अंदर देखा था। आज जो लेक्चर करेंगे वो रहेगा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज से, जो कि हमारे पार्ट फोर ए का पार्ट है। अभी आप कहेंगे कि सर आपने पार्ट थ्री इंक्लूड नहीं किया, सबसे पहले वो रीज़न बिंग क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो थोड़ा लेंथी चैप्टर रहेगा, उसके लिए मुझे 4 to 5 लेक्चर्स कंडक्ट करने पड़ेंगे। और मेरे को ये लगा कि ये जो चैप्टर है ये छोटा भी है और जल्दी हो जाएगा, क्लियर। तो अभी जो है आज हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके बाद सब्सिक्वेंट लेक्चर जो रहेंगे उसमें हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स। चलिए, तो आज का जो लेक्चर है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ कई बार जो है इसमें प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ चुका है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर, जो आपके पास 11 ड्यूटीज़ है उसके आपको सीक्वेंस वाइज लर्न होना चाहिए, क्लियर। अभी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो लैंग्वेज है उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपी है उसकी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा और आपको साथ के साथ पढ़वाऊंगा ताकि वो आपके माइंड में छप जाए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की। जैसे जब भी कोई टॉपिक करते हैं तो उसके पीछे थोड़ा सा आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए, उसकी बैकग्राउंड बताना चाहिए कि आया क्यों। ठीक है, यही हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, ये रोड मैप मैंने आपको लिखा हुआ है, क्लियर। देखिए, सबसे पहले हुआ क्या कि 1975 के अंदर जब हमें पता है कि तीसरी इमरजेंसी लगी थी हमारी कंट्री के अंदर, इससे पहले दो इमरजेंसी लग चुकी थी, क्लियर। एक तो इंडिया और जब चाइना का वॉर हुआ था 1962 में, तब उसके 1965 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था तब, और तीसरी ये थी जो आपका इंटरनल इमरजेंसी थी 1975 से लेकर 77 तक। चलिए, अभी इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, उस टाइम जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उनको ये लग रहा था कि जो जयप्रकाश नारायण जी थे, ठीक है, वो कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के और जो कॉमन लेमन लोग थे उनके साथ मिलकर वो उनकी गवर्नमेंट को गिराना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति जी को ये बोलकर कि हमें जो है लगता है कि जो इंटरनल रेबेलियन होने वाला है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए। इसके पीछे काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है, अभी इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो इमरजेंसी का चैप्टर मैं करवाऊंगा उसमें अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। तो हुआ क्या, इमरजेंसी लग गई। अब क्या हुआ, लोगों ने ये बोला कि ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, आप कैसे जो है इसको छीन सकते हो, क्लियर। तो जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को ये लगा कि हमारे देश के जो जितने भी नागरिक हैं इनको जो हमारे मूल अधिकार हैं यानी मौलिक अधिकार हैं इनकी ज़्यादा ज्ञान है लेकिन इनको अपने कर्तव्यों की इतनी नॉलेज नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए कि इनको मौलिक अधिकारों की भी ज्ञान हो, अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्य वो भी पता हो, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई, क्लियर, 1976 के अंदर। अब इस कमेटी को इन्होंने ये टास्क दिया कि आपको क्या करना है, पूरे अच्छे से स्टडी करनी है और ये देखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी इंक्लूड की जानी चाहिए, क्लियर। अब बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है क्या वो हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलती है, किसी और जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं क्या उनके अंदर मिलती है कहीं पर। तो देखिए, जितने भी हमारे मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कैनेडा हो, US हो, ब्रिटेन हो, वहाँ पे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को नहीं मिलेंगी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, क्लियर। बट एक एक्सेप्शन है इसमें, वो ही है जापान, जो है जो जापान देश है उसके अंदर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलती हैं, क्लियर। इंडिया के अलावा जापान एक ऐसा देश है जिसमें देखने को मिलता है। इससे पहले जो आज का USSR रशिया है, इसको पहले USSR बोलते थे, क्लियर। ये 1991 में क्या हुआ, इसको क्या करा दिया, डिसॉल्व हो गया और ये बन गया क्या, रशिया, और जितने भी इसके साथ रिपब्लिक्स कंट्रीज जुड़ी हुई थी वो सारी क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होगी। ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, क्लियर, इसके पीछे की स्टोरी। तो हुआ क्या कि इंडिया में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई हैं, जो इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई हैं वो आई हैं बेसिकली USSR से, क्लियर। जो USSR का जो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन था उससे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो आई हैं USSR से। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी की। देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी जो थे, बेसिकली स्वर्ण सिंह कौन थे, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के अंदर उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे ये, क्लियर, उन्हीं के कैबिनेट। जैसे आज के टाइम में मान ले जैसे रविशंकर प्रसाद जी हैं, ये क्या हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर। अब मान लो इनके अंडर कोई कमेटी बना दी जाए तो हम क्या आगे फ्यूचर में क्या बोलेंगे, जब मान लो स्टडी करेंगे तो हम यही बोलेंगे ना, रविशंकर प्रसाद कमेटी, क्लियर। तो ऐसे ही स्वर्ण सिंह कमेटी किस लिए बुलाया था, क्योंकि जो स्वर्ण सिंह जो थे वो कौन थे, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के उस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो इन्होंने क्या किया, 1976 में जब इंदिरा गांधी जी ने स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई तो इस कमेटी ने काफ़ी अच्छे से सारे कंट्रीज के वो करने के बाद, डिटेल्स स्क्रूटनाइज करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, इन्होंने बोला कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा और उस अमेंडमेंट के तहत हमें अपना एक अलग से चैप्टर ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़
उस चैप्टर को बोलेंगे हम, चैप्टर का नाम होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड करेंगे अंडर द पार्ट 4A, क्लियर। और इसके अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल होगा, दैट इज 51A। ये तो मैं बता रहा हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, क्लियर। यानी कि उन्होंने बोला कि एक चैप्टर अलग से ऐड करना चाहिए जिसका नाम होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसको हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, क्लियर। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उनकी रिकमेंडेशंस को, जो ये उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, इसको एक्सेप्ट किया और 42nd अमेंडमेंट किया जो कि 1976 में आया था। और इस अमेंडमेंट को जो 1976 में हुआ था, 1976 में, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। यानी कि एक तरीके से छोटा संविधान, क्यों? क्योंकि इसी अमेंडमेंट के तहत इतने चेंजेस किए थे हमारे संविधान में कि जो ओरिजिनल था वो पता ही नहीं चल रहा था ओरिजिनल में था क्या एक्चुअली। बट हुआ क्या, रिस्पेक्टिव 43 एंड 44th अमेंडमेंट में रिस्टोर कर दिया गया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था पहले। कुछ जैसे ये फंडामेंटल ड्यूटीज इनको नहीं हटाया, बाकी जो कुछ चेंजेस किए थे इस एक्ट के तहत वो 43rd एंड 44th के तहत क्या हो गया, रिवर्स कर दिया गया, क्लियर। हमें वापस से क्या मिला, अपना दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला। इसलिए 42nd अमेंडमेंट, ये क्वेश्चन कई बार सारे कुछ एग्जाम से पूछा भी जा चुका है कि विच ऑफ द अमेंडमेंट इज नॉन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, सो आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। चलिए उसके बाद, अब जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, इन्होंने ना कुछ रिकमेंडेशन दी थी फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग। उन्होंने बोला था कि जो रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने, उन्होंने बोला कि हम आपको फंडामेंटल ड्यूटीज ये लिख के दे रहे हैं और आप इसको जो है एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में अडेप्ट कर लीजिए। अब उन्होंने दी थी रिकमेंडेशन कितनी ड्यूटीज की, 8। बट हमें पता है, देखिए जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ SSC, स्वर्ण सिंह कमेटी, इन्होंने 8 ड्यूटीज रिकमेंड की थी, कितनी, 8, 8। अब देखिए, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये इंप्लीमेंट की गई तो अब हमें कितनी ड्यूटीज देखने को मिलती है, दैट इज हमें देखने को मिलती हैं 10। अब इंपॉर्टेंट जो ये बात है, जो रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह कमेटी ने दी थी उसमें से कुछ ड्यूटीज ऐसी थी जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ऐड ही नहीं की गई। कौन कौन सी, जैसे कि पेइंग टैक्सेस, ठीक है, कि आपको टैक्स भरना चाहिए, ये फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला आपको ऐड करनी चाहिए, बट इसको ऐड नहीं किया। दूसरा, पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट हैज पावर, पावर किस चीज की, टू पनिश, ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है पनिश करने की और फाइन लगाने की इंडिविजुअल्स के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति या कोई नागरिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है, क्लियर, तो उसके ऊपर पार्लियामेंट जो है इंप्लीमेंट कर सकती है पनिशमेंट और फाइन। तो ये भी इंक्लूड नहीं की जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी 8 ड्यूटीज के अंदर। उसके बाद एक बोला था कि जो पार्लियामेंट इन केस कोई कानून बनाती है इनको इन्फोर्स करने के लिए, क्लियर, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, पार्लियामेंट मेक एनी लॉ रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है इन फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो उस लॉ को नो वन कैन चैलेंज इन कोर्ट, ठीक है, कोई भी जो है चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट्स के अंदर। ये 3 रिकमेंडेशन जो थी स्वर्ण सिंह कमेटी की थी, बट फाइनली हुआ क्या, इनको ऐड नहीं किया हमारे जो आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं उसके अंदर, ये कहीं पे भी नहीं ऐड की गई। ये इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट थे, क्लियर। अब देखिए, पेइंग टैक्सेस, ये मुझे लगता है कि इंक्लूड हो जाना चाहिए था ड्यूटीज के अंदर, बट वही ये, चलिए, फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली क्या होती है, ये एक तरीके से देखा जाए तो इसका आज तक इतना यूज़ हुआ भी नहीं है हमारे संविधान के अंदर कि भी चलो इसका यूज़ हुआ हो कहीं पे कोई केस के अंदर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये बोला था कि मान लीजिए हमें कोई संविधान के अंदर कोई किसी केस के अंदर अगर ये देखना कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखेंगे, अगर कोई लॉ उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको मानेंगे कि ये जो है वैलिड है ये लॉ, क्लियर। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको सिटीजनशिप का जो चैप्टर करवाया था अभी लास्ट लेक्चर में, ठीक है, नागरिकता का जो हमने लेक्चर किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ राइट्स ऐसे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में से जो सिटीजन्स को भी मिले हुए हैं प्लस फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं, क्लियर।
बट मैंने कुछ ये भी बताया था, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो ओनली सिटीजन्स को ही मिले हैं, फॉरेनर्स को नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था आर्टिकल 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30,
तो वो सारे किसको मिले हुए, सिटीजन्स को भी फॉरनर्स को भी। बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ के केस में क्या है, जितने भी ड्यूटीज़ हैं, ऑल ड्यूटीज़ एप्लीकेबल टू सिटीजन्स ओनली, नॉट टू फॉरनर्स, एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स। अब ये किसी भी विदेशी को नहीं मानने पड़ेंगे, क्लियर। जैसे अगर आप ये बोलो आप हमारी संविधान की वो करें क्या, अगर आप मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए में घूमने गए, बट यूएसए की गवर्नमेंट आपको नहीं कह सकती कि आप जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिस्पेक्ट करें। सिमिलरली अगर कोई अमेरिकन इंडिया में आता है तो आप उसको नहीं बोल सकते, वो तो जस्ट एक विजिटर के रूप में आया है हमारी कंट्री में, ठीक है, तो वो विजिट करके चला जाएगा। बट हाँ, अगर वो किसी लॉ को वायलेट करता है देन उसको उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी मिलेगी, क्लियर। वो हमें मैंने आपको बता रखा है उसके ऊपर आईपीसी सीआरपीसी सारी धाराएं जो लगती हैं वो सारी लगेगी। बट ड्यूटीज़ जो हैं, अगर आप उसको ये बोलो कि भाई आपको हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है उसको फहराना है, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, तो आप उनको नहीं बोल सकते जो विदेशी हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ किस पर अप्लीकेबल होंगी, जो सिटीजन्स होंगे उस कंट्री के पर्टिकुलर, जैसे इंडिया के हम हैं सिटीजन्स तो हमारे ऊपर अप्लीकेबल होंगे, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। मैं अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, क्लियर। चलिए देखिए, अभी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखेगा, तो ये सबसे पहले आपको हिंदी में दिख रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं हम, फंडामेंटल ड्यूटीज किसके अंदर आती है, पार्ट 4A, क्लियर। 51A, ओनली ए के आर्टिकल है जो है 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हर एक नागरिक का ये कर्तव्य होगा। फर्स्ट क्या कह रहा है, अब आपकी जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज दिख रही है ना बच्चों, आपको एज इट इज लर्न करनी है, क्लियर। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, उसके इंस्टीट्यूशंस की, इंस्टीट्यूशंस बोले तो जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, क्लियर, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके बाद नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया। सेकंड कहता है टू चेरिश द फॉलो एंड नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उन नोबल आइडियल्स को आपको फॉलो करना है जिनसे हमें क्या है फ्रीडम मिली है। दूसरा टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, आपको जो है बनाए रखनी है इन हमारे कंट्री की सॉवरेंटी को, यूनिटी और इंटीग्रिटी को, क्लियर। उसके बाद कहता है फोर्थ टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू सो। अब देखिए बच्चों, अगर इन केस आपको जैसे कंट्री वॉर के अंदर है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना का वॉर हो रखा है, मान लो फ्यूचर में, मैं नहीं कहता ऐसा होगा भी, बट इन केस फ्यूचर में ऐसा हो जाता है और इंडिया के पास जैसे सोल्जर्स की कमी पड़ जाती है, तो इंडिया चाहे तो अपने सिटीजन्स को बोल सकते कि अब आपको जो है वॉलेंट्रली नहीं इनवॉलेंट्री, यानी कि गवर्नमेंट खुद बोलेगी अब आप जो है मिलिट्री के अंदर पार्टिसिपेट करें और अपनी जो है सर्विसेज दें, क्लियर। ये अभी तो क्यों नहीं है, जैसे इसराइल जैसी कंट्री है वहाँ पे कंपलसरी है, क्लियर। जो भी बच्चा होगा पास आउट होगा स्कूल कॉलेज से, उनको कुछ ट्रेनिंग, कुछ टाइम पीरियड के लिए फिक्स जो है मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि इनकेस जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो वो क्या है हथियार उठा करके हथियार चला सके। बट इंडिया में ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अगर इतना देंगे तो एम्यूनिशन ही नहीं बचेगा हमारे पास, क्लियर। तो इसलिए ये अभी से इस पर लागू नहीं है, बट पीछे इसके लिए बात हुई थी, बट चलो कोई बात नहीं, वो अभी हमारे स्कोप से बाहर है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि ताकि आपको पता रहे, क्योंकि कई बार बच्चों को ना पता नहीं होता कि ऐसा भी कोई फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। फिफ्थ है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, यानी आपसी भाईचारा की भावना जो आपको पैदा करनी है, ठीक है। और आपको जो है ऐसा नहीं है कि रिलीजियस लिंग्विस्टिक ऐसे सेक्शंस के ऊपर आपको कोई भी जो कहते हैं अभद्र टिप्पणियाँ नहीं करनी है, क्लियर, जिससे कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। दूसरा है कहता है सिक्स्थ पॉइंट टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर, जो हमारा कल्चर है हमें जो है उसको बनाए रखना है, क्लियर। इसलिए मैंने आपको बताया था फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल जो है हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है कि ताकि जो हमारे ट्राइबल्स पॉपुलेशन है उसके जो कल्चर है वो सेफ रहे। उसके बाद सेवन आता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ टू हैव कंपैशन, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, आर्टिकल 51G डील्स विद, क्लियर। तो उसमें आपको पता है ये जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, और उस फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर क्या है, एनवायरनमेंट की रिलेटेड बातें की गई है।
टू डेवलप द साइंटिफिक टेंपर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देखिए ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि हम साइंटिफिकली जो है ना अपना टेंपर को डेवलप करें, क्लियर। दूसरा ऐसा नहीं कि हम अंधविश्वासों में विश्वास करें। दूसरा हमारे अंदर जो है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, अगर कोई बात है तो हमारे अंदर एक इंक्वायरी की भावना होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो हमारे अंदर ये स्पिरिट होनी चाहिए, हम उससे क्वेश्चंस पूछें कि ये कैसे इंपैक्ट करेगा, क्लियर। तो ये हमारी ड्यूटी है। उसके बाद आई, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। अब देखिए यूपी के अंदर आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ लोगों के पोस्टर निकाले थे नाम के साथ, ताकि उनके ऊपर आरोप क्या लगा था कि इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। तो ये क्या आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको सेफ गार्ड करनी है प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। ऐसा नहीं उनको नुकसान पहुंचा दिया, अगर नुकसान पहुंचाओगे तो उसके ऊपर आपके प्रति कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फिर उसके बाद टेंथ क्या बोलती है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। आपको इस तरीके से काम करना है कि ताकि जो हमारा देश है वो कंटिन्यू जो है आपका अचीवमेंट को अचीव करता चले, क्लियर, और अपने जो हाई लेवल्स तक जो है राइज करे। उसके बाद 11th ये ऐड की गई थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जब डाला था, नॉट ओरिजिनल, जब अमेंडमेंट किया गया था 42nd अमेंडमेंट, तो उसमें जो है 10 ड्यूटीज डाली गई थी। ये 11th जो है 86 अमेंडमेंट किया गया था और उसके तहत ये डाली गई थी। इसमें क्या बोला गया कि जो 86 अमेंडमेंट हुआ था, क्लियर, उसमें क्या हुआ था कि आपको एक तो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी और एक फंडामेंटल राइट ऐड किया था 21A। उसमें ये बोला गया था कि अब से 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी है कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है अपनी पूरी कंप्लीट करे। और यही जो फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई पेरेंट्स के लिए कि आप जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे कि वो बच्चा पढ़ सके, क्लियर। अब मैं एक बार आपको यही हिंदी में दिखा देता हूँ। देखिए पहला कहता है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान को याद करें, स्वतंत्र के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण रखें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध है, क्लियर। यानी कि हमें ऐसी जो चलन चलते आ रहे हैं, ठीक है, जो कि जिसमें हमें फीमेल्स को जो है ना क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमें ऐसी चीज़ों को भी, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें क्या करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। दूसरा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों से उत्कर्ष की बढ़ने को सतत प्रयास करें और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। उसके बाद ये 10th है, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, क्लियर। चलिए यहाँ पे तो हमारी जो है फंडामेंटल जो है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देख ली है। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंस जो थोड़े बहुत छोटे मोटे पॉइंट्स जो बचे हैं, जस्ट अ सेकेंड। चलिए अब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब 42nd अमेंडमेंट किया गया था, 42nd अमेंडमेंट, उस टाइम 10 ड्यूटीज थी, क्लियर। यानी कि कहने का मतलब यह है ए से लेकर ए बी से लेकर के ऐसे चलते चलते लास्ट जो थी वो जे थी, क्लियर, 10 थी ये टोटल 10। लेकिन उसके बाद 86th अमेंडमेंट और किया गया, 86वां संशोधन, इसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, ठीक है, वो क्या थी, 51AG। हम ऐसे लिखेंगे, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 51A और उसके बाद जी, इस तरीके से मेंशन करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी को, क्लियर। अब इसमें एक चीज़ और ऐड की गई थी, आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल 21A जो है वो भी किससे ऐड हुआ था, 86 अमेंडमेंट एक्ट से। चलिए अब हमारा बात आती है फीचर्स की, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई इनके फीचर्स क्या थे। देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी इनके अंदर जो कुछ ड्यूटीज ऐसी थी जो कि मॉरल ऑब्लिगेशंस अप्लाई करती थी इंडिविजुअल्स के ऊपर, और कुछ ऐसी थी जो सिविक ऑब्लिगेशंस क्रिएट करती थी। सिविक कैसे, जैसे कि आप बोलते हो नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, ये सारे किस में आते हैं, सिविक में। मॉरल में होता है कि आपको चेरिश करना है नोबल आइडियाज को, क्लियर, ये सारे क्या हैं, मॉरल्स के अंदर। दूसरा ये बोला जाता है कि जो इसके अंदर कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम कल्चर फॉलो कर रहे थे
पीछे हमारे जो फोर फादर्स जो कल्चर बना के गए हैं वो एज इट इज इसमें डाला गया है, ठीक है। कोई ऐसा अलग से नहीं है कि हमारे फंडामेंटलिटीज जो बिल्कुल ही अलग है, नहीं, फंडामेंटलिटीज जो डाली गई हैं वो ऑलरेडी जो है हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है, कल्चर का पार्ट है, क्लियर। इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है। दूसरा, नेक्स्ट फंडामेंटलिटीज में ये बताया गया है कि जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्लियर, वो नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल मीन्स और नॉन इन्फोर्सेबल है। नॉन जस्टिसिबल एंड नॉन इन्फोर्सेबल है। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट किया, क्लियर, तो कोई आप पे केस नहीं कर सकता, क्योंकि अभी से जो है इसके ऊपर क्या है, इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट के थ्रू कोई लॉ पास नहीं हुआ है, क्लियर। और जस्टिसिबल ना तो कोर्ट में इसके ऊपर आप कोई सुनवाई करवा सकते हैं, क्लियर। तो ये होता है नॉन जस्टिसिबल और नॉन इन्फोर्सेबल, ये है कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। उसके बाद बात आती है क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, क्लियर, और जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, क्लियर, ये क्या है, हर जगह आपको कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी देखने मिलेगी। बट ये नहीं, आपको हर चीज़ की क्रिटिसिज्म आपको याद रखने की जरूरत है, बट कुछ कुछ जो है एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको याद रखने की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपको बताया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को ऐड किया गया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रिटिसिज्म जो कर रहे थे उन्होंने क्या बोला था, नंबर वन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज डाली है इसमें कुछ भी अलग नहीं है, और जो लिस्ट डाली वो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, ठीक है, सिर्फ 10 पॉइंट्स की आपने लिस्ट डाली है। ओरिजिनल जब ये डाला गया था 42nd में, तो उस टाइम तो 10 थी, तो इन्होंने बोला कि आपने कोई एग्जॉस्टिव नहीं बनाई है, ठीक है, इतनी ज़्यादा खोल के नहीं बनाई है फंडामेंटल ड्यूटीज को, और जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो तो आपने इंक्लूड ही नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टैक्स पे करना है वो आपने इंक्लूड ही नहीं किया, और भी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज थी, क्लियर, वो आपने इंक्लूड ही नहीं की, आपने वो ड्यूटीज ऐड किए जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा ये बोला कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए ये वेग है, मतलब वेग कैसे कि कुछ समझ से परे है सारी, ये नहीं समझ में आता कि भाई आप जो ये बता रहे हो कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको चेरिश कर रहे हैं, नोबल आइडियाज किसको बोलोगे, साइंटिफिक टेम्पर आप किसको मानोगे ये साइंटिफिक टेम्पर है, क्लियर, ये कहीं पर एक्सप्लेन ही नहीं किया इन्होंने। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे। हमें क्या है कि सारे पॉइंट्स एकदम से याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए हाँ क्रिटिसिज्म में क्या क्या बोला गया था, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमारा पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, एक तो ये सर्व करता है एज ए वार्निंग, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है एज ए वार्निंग इशू करता है, वार्निंग किसको, जो भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए, एंटी सोशल एक्टिविटीज। अब ये क्या होती है, एंटी सोशल एक्टिविटीज वो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मूवी देखने गए हो, क्लियर, और मूवी देखने के बाद आप थिएटर से बाहर निकल रहे हो, और आप थिएटर से बाहर निकले और आपके मान लो पैसे हो गए वेस्ट क्योंकि मूवी अच्छी नहीं थी, आपको आया गुस्सा, आपने थिएटर को तोड़फोड़ किया। दूसरा, आपने मान लो हो सकता है कि जैसे नेशनल फ्लैग था उसको आग लगा दी, या फिर आपने मान लो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इंसल्ट की। तो ऐसे अगर आप कुछ भी काम करते हो जिसमें, इसको बोलते हैं एंटी सोशल एक्टिविटीज़, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आपको एज ए वार्निंग देंगे। अगर आप ऐसा कुछ टास्क करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, तो ये नहीं कि आप खुले आजाद पंछी हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको कहने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी है जो एज ए वार्निंग आपको बताएंगी कि देखिए ये आपके कर्तव्य हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने किया तो अब आपको इसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। तो ये क्या है, एज ए सर्व करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी एज ए वार्निंग। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी वार्निंग के अलावा तरीके से सर्व करते हैं, दूसरी सर्व एज ए रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, मान लीजिए आपको ये याद दिलवाती है फंडामेंटल ड्यूटीज, मान लीजिए आप ये कहते हो कि भाई मेरा ये अधिकार है, क्लियर, और आप इसको मुझसे छीन नहीं सकते, ठीक है, हम मानते हैं। अगर आप ये कहते हो कि भाई मेरा पड़ोसी जो है इतनी आवाज़ ना करे कि मेरे को डिस्टर्ब हो, तो आप ये तो कहते हो कि भाई ये मेरा अधिकार है कि वो मेरे को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन आपका ये भी तो कर्तव्य बनता है कि आप भी ऐसे इतनी जोर से चिल्लाए ना, आवाज़ ना करें अपने घर में, ताकि उसके घर तक वो आवाज़ ना जाए, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या करती हैं, एज ए वार्निंग भी, रिमाइंडर भी दिलाती हैं, कि याद भी दिलाती हैं कि अगर आप ये कहते हो ये मेरा अधिकार है तो आपका कर्तव्य भी बनता है, क्लियर। दूसरा, ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, यानी कि जो लोगों में डिसिप्लिन क्रिएट करता है। उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के अंदर, यह 1992 में ये बोला एक केस के अंदर, जब वो सुनवाई करते हैं ना उसके अंदर उन्होंने ये बोला कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इन केस आगे से अब हमें ये लगेगा कि मान लो कोई लॉ अगर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है कि ये सही है, वैलिड है या नहीं है,
तो हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, देखो एक चीज़ बता देता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन जाती है ना किसी लॉ के अकॉर्डिंग, तो कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ के बोल देती चलो भाई ये इम्प्लीमेंट नहीं। अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कोई बात सुप्रीम कोर्ट में आती है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पार्ट को, हर एक स्केड्यूल को, प्रीएम्बल को, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ती है, उसके बाद जा करके जो है अपनी वर्डिक्ट देती है। इस ऐसा नहीं है कि भाई मान लो आप ये कर रहे हो तो मेरा फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर दो, वो फंडामेंटल राइट को नहीं पड़ेगी, वो आपकी ड्यूटीज़ को भी पड़ेगी, डीपीएसपी को भी पड़ेगी, उसके बाद जितने भी वो हैं यूनियन से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है सारा कुछ डिटेल में स्क्रूटिनाइज करती है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जाके वो अपनी क्या देती है वर्डिक्ट देती है। इसलिए जो है आपको दिखता होगा कि जो हमारा लॉ है वो इतना स्लो है, क्यों आपको ये देखने को नहीं मिलता कि भाई जो उसके पीछे की जो स्टोरी है वो कैसे चलती है। क्लियर? चलिए तो ये तो हमारे कुछ थे सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज के। अब देखिए जब इंदिरा गांधी जी से ये पूछा गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपने क्यों डाले, तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनसे गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने ये कभी इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी डाले जाए, क्योंकि उन्होंने फंडामेंटल राइट तो डाल दिया लेकिन अब फंडामेंटल राइट सबको पता है कि ये हमारे कर्तव्य जो अधिकार हैं जो हमें मिलने ही मिलने हैं संविधान के थ्रू, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि संविधान के थ्रू आपको कुछ कर्तव्य करने हैं। क्लियर? अब मान लीजिए आप पर्टिकुलर जो है किसी से आप चीज़ें ले रहे हैं, तो आप जब तक किसी को देंगे नहीं तो आप ये कैसे कह सकते कि मैं जो मेरा मैं एप्लीकेबल हूँ कि मैं उनसे डिमांड करता रहूँ, हर बार डिमांड करता रहूँ, आपको कभी ना कभी रिटर्न में देना भी तो पड़ेगा ना गिफ्ट में कुछ। तो इसलिए यही उन्होंने बोला कि हमने जो गलती जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से गलती हुई हमने उसको रेक्टिफाई किया इस अमेंडमेंट के थ्रू। ये हमारे जो उस टाइम के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, उनका कहना था। क्लियर? तो यहीं पे जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज आज का जो चैप्टर है यहीं फिनिश होता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा किस पे, वो होगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, पार्ट 3, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके? और वो लेंथी भी रहेगा क्योंकि उसमें हम बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। क्लियर? क्या सुप्रीम कोर्ट के केसेस रहे हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ें। चलिए आज के लिए इतना ही, टिल देन हैप्पी लर्निंग।